हेलो, वेलकम टू द टेकपाइल टेक्नोलॉजी. दिस इज़ दिव्या राय. ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं. अगर आप किसी भी टेक्निकल कोर्स जैसे कि बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, आईटी, बीसीए, एमसीए या पीजीडीसीए से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, खास तौर से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड, तो मेनली टेकपाइल में एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. जो स्टूडेंट ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑन कैंपस आके ट्रेनिंग कर सकते हैं. जो ऑन कैंपस नहीं आ सकते, जिनको किसी भी तरीके की इशू है, वो 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले न्यू बैच जो कि ऑनलाइन मोड में होगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो मेनली इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस 5 तारीख से स्टार्ट होंगे, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि जो पहले से जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस सेमेस्टर से कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, टेकपाइल में ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच में जिन्होंने अपनी क्लासेस कंटिन्यू की हुई थी, उनको क्या करना है. आपकी ये क्लासेस एग्ज़ाम की वजह से बंद की गई थी एंड मे बी कि इस मंथ के एंड तक आपके सारे एग्ज़ाम्स ऑल ईयर्स के ख़त्म हो जाएंगे और फ्रॉम द 1st अगस्त आपकी वो क्लासेस जो अभी पॉज की गई थी वो फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी. जो स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे थे और वो अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऑफलाइन आ सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ड्रॉप कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास करने आप आ सकते हैं इन लखनऊ, और आपको आपकी जो भी फ़ी आपने पहले दी हुई थी वो फ़ी आपकी बिल्कुल माइनस हो जाएगी. सो आपको ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनिए कि एक न्यू बैच ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट हो रहा है 5th अगस्त से. नेक्स्ट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये समर ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आपके कोर्स में खुद आपकी यूनिवर्सिटी ने मेजर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट और बहुत सारे ऐसे सेशंस ऐड किए हुए हैं. जब आपको अपने कॉलेज की पढ़ाई से निकल के आपको बाहर जाना होता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है और वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और ये चीज़ें सीखनी होती हैं. क्योंकि अगर आपको कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप रेगुलर वे में जिस पे आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका बेस है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का पावर देता है. तो ये चीज़ें आपको आगे आने वाले आपके करियर में भी बहुत हेल्प करता है. इस वजह से समर ट्रेनिंग हर स्टूडेंट के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है. दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि इसमें, क्योंकि अब स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि आप यहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं और उनको ये नहीं समझ में आता कि हम कहाँ से करें. और अधिकतर स्टूडेंट्स उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे फ़ी कम लग रही है या फिर जहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से सब ठीक ठाक चल रहा है. देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने देखा या जो आपको फर्स्ट डे दिखाया जा रहा है वही सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप उनसे पूछिए जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, आप अपने सीनियर्स से फीडबैक लीजिए जिन्होंने अदर जगहों कई सारी ट्रेनिंग्स को जिन्होंने देखा है, आपने खुद ही ऑनलाइन समर ट्रेनिंग में आपको इस बार बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बहुत सारे आपको फ्री कोर्सेज मिले जिसके थ्रू आपको पता चला होगा कि एक्चुअली लोग क्या डिलीवर आपको कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं और क्या डिलीवर कर रहे हैं, दो डिफरेंट चीज़ है. ओके, सो यहाँ पे फीस मैटर नहीं करता क्योंकि आफ्टर अ ईयर जब आप ये कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकल रहे होंगे तो आपके पास जो सिर्फ आपके पास जो रह जाएगा वो होगा आपका नॉलेज. इवन आपको याद तक नहीं रहेगा कि आपने कितना फ़ी पेमेंट किया था, पर आपने क्या सीखा ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगा. सो अभी स्टूडेंट लाइफ में जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑफ कोर्स फ़ी एक मैटर है, पर जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो कंटेंट पे, कि आपको क्या मिल रहा है. आप इस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप ट्रेंड हो पाएँ, आपके पास आफ्टर ट्रेनिंग कुछ नॉलेज रहे, कुछ बेस रहे, कुछ कंटेंट रहे. और अगर मैं टेकपाइल में ट्रेनिंग की बात करूं तो अगर किसी भी स्टूडेंट को आप जानते होंगे जिसने कभी भी टेकपाइल से ट्रेनिंग किया होगा तो आप एक बार उनसे पूछें, चाहे वो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग हो चाहे वो समर ट्रेनिंग हो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. आप YouTube पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, जिन्होंने ट्रेनिंग किया है,
उन्होंने अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके डाले हैं, एक बार आप उसे देख सकते हैं। फीडबैक वीडियोस हैं, प्रोजेक्ट वीडियोस हैं, और आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इवन ऑनलाइन समर ट्रेनिंग में जब बहुत सारी कंपनीज ने मना कर दिया कि ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, तब स्टूडेंट्स ने एक अच्छा मेजर प्रोजेक्ट टेकपाइल से बनाया था। इवन मैं अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की बात करूं, जो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जो अभी फिनिश हुई, उसमें जब बहुत सारी कंपनीज के पास ये एक एक्सक्यूज था कि इस बार लॉकडाउन लग गया, तब हमारे 100% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अलग अलग कंपनीज में हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी फील्ड में, चाहे ऑनलाइन समर ट्रेनिंग हो, चाहे ऑफलाइन समर ट्रेनिंग हो, चाहे हमारी दूसरी कोई अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग हो, हम उन्हें हमेशा अपने 100% दिया है। एंड वन थिंग कि जहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, जो आप पे मेहनत करेगा, जहाँ आप पे 10 लोग लगे हुए हैं, वहाँ 100% आपको थोड़ी सी फी ज़्यादा लग सकती है इन द स्टार्टिंग, बट एट द एंडिंग आपको कंटेंट ज़्यादा लगेगा और फी कम लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक बार आप विजिट करें, एक बार आप टेकपाइल विजिट करें, एक बार आप YouTube, सोशल मीडियाज आप हमेशा विजिट करते हैं, आप वहाँ पे देखें, फिर आप कंपेयर करें, आप फीडबैक्स देख सकते हैं, गूगल पे जो रिव्यूज़ हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो देखा है, जो पाया है, वही उन्होंने बताया है। सो टेकपाइल में आपको क्वालिटी ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ पे हम आपको जो कंटेंट डिलीवर करते हैं इन ईच लैंग्वेजेस, चाहे हम आपको बेसिक सेशन करा रहे हों जिसमें हम आपको HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, C programming, database, ये सारी चीज़ें कराते हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज कराते हैं, जिसमें कि .NET, Java, PHP, Android, Python, साथ ही साथ उसके frameworks भी कराए जाते हैं, उसमें हर लैंग्वेजेस में जो आपको कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, जो सिलेबस आपको डिलीवर करते हैं, वो आपको पूरे लखनऊ में कोई डिलीवर नहीं करेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। सो ये ट्रेनिंग 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जिस भी मोड में करना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू बी रजिस्टर। उसके लिए 4 अगस्त को ऑन कंपनी टेकपाइल में रिपोर्टिंग होगी, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन करेंगे उनका, और जो ऑनलाइन करेंगे उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, पर उसके लिए आपको कॉल जाएगी यहाँ से और बैचेस, टाइमिंग सब कुछ बताया जाएगा। जो ऑफलाइन करेंगे, जैसा मैंने बताया, उनकी रिपोर्टिंग 4 तारीख को होगी। रिपोर्टिंग में आपको ऑन कंपनी आके, आप ऐसा समझ सकते हो कि सेटल होना होता है लखनऊ में, ताकि आप अपना रूम, हॉस्टल, जो भी आपको देखना है आप देख सकें, साथ ही साथ आप टेकपाइल में अपना रजिस्ट्रेशन, अपना वेरिफिकेशन भी करा सकें। सो 4 अगस्त से पहले आपको रजिस्टर्ड होना होगा, ताकि आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हम कॉल के थ्रू दे पाएँ, और क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग में बहुत सारी और इसके अलावा चीज़ें होती हैं, जैसे रूम, हॉस्टल हो गया, आपकी टाइमिंग हो गई, बैचेस हो गए, किस डेट पे आपकी रिपोर्टिंग है, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमें बताना होता है। सो हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन इसमें ज़रूरी होता है। सो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा, जो कि है techpile.in/register। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन जाएगा, कॉल जाएगा, और आपको बाकी सारी प्रोसेसेस कॉल से बताई जाएंगी। इसमें जितने भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम्स अभी अगस्त के मंथ में होने वाले हैं, उनके लिए एक अलग से बैच बनाया जाएगा, जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी और प्रॉपर सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हम करेंगे। इस ट्रेनिंग में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो ये भी हैं कि इसमें डेली आपको ऑफलाइन समर ट्रेनिंग में डेली 5 आवर्स की क्लासेस चलती हैं, जिसमें 3 आवर्स की क्लासेस आपकी मेन क्लासेस होती हैं। एंड अगर कोई भी सेशन, कोई भी लैंग्वेज आपका छूट गया, बाकी रह गया, या आपके टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, तो उसके लिए रिकवरी सेशन भी 2 आवर्स का चलाया जाता है, जो हर स्टूडेंट ज्वाइन करता है। साथ ही साथ रूम, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। फैसिलिटीज़ का मतलब कि आपको पूरा गाइड किया जाता है, कहाँ जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम, हॉस्टल मिल जाए, इस बात का एश्योरेंस हम लोग खुद देते हैं। और आप यहाँ आओगे, जब भी आप आओगे, आप हमारी कंपनी विजिट करोगे, आपको ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप रह सकते हो, अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा रूम, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस आपको कराई जाएंगी, उनके प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं, जो आपको थ्योरेटिकल चीज़ें समझने में हेल्प करते हैं। इसमें इस बार प्रोजेक्ट के रूप में आपको एक मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट दोनों कराया जाएगा,
और जो आपका मेजर प्रोजेक्ट होगा उसकी होस्टिंग भी कराई जाएगी। उसके लिए आपको ये एक सेपरेट यूआरएल हर स्टूडेंट को भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑफलाइन समर ट्रेनिंग में। और जो स्टूडेंट एंड्रॉइड पे अपने एप्लीकेशंस बनाएंगे उनके एप्लीकेशंस भी प्ले स्टोर पे अपलोड कराए जाएंगे, जिसे आप प्ले स्टोर से सर्च करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये पूरी ट्रेनिंग, जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके सेशन का, आपके कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। वैसे भी आपकी पढ़ाई पूरे कोविड की वजह से बहुत डिस्टर्ब रही है, तो इस बार एक ट्रेनिंग ही ऐसा आपके पास मीडियम है जिसके थ्रू आप पूरे अपने 2 साल का जो कोर्स आपका डिस्टर्ब हुआ है उसको कवर अप कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मे बी आप 2 साल की पढ़ाई आपने नहीं किया, चलो ठीक है, लेकिन आफ्टर कोर्स आपको जॉब मिलेगा और जॉब में कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं चलता, तो वहाँ पे आपका नॉलेज ही होगा जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। सो आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, ज्वाइन करिए, आप प्रॉपर उसको ट्रैक करिए कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या बैचेस आपको अलॉट की जा रही हैं, कब आ रहे हैं आप, उससे पहले आप ट्रेनिंग कंपनी आके आप उसको विजिट कर सकते हैं। आप बाकी चीज़ें जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको नॉलेज चाहिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम आपको 100% रिप्लाई करेंगे। सो मे बी कि नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सब कुछ ओपन हो जाएगा और इस बार आपकी ऑफलाइन समर ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाएगी, एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यू रखें, जो फिर भी ऑफलाइन आना चाहते हैं वो प्लीज़ आएँ, प्लीज़ ज्वाइन करें, और होप कि आपकी ये समर ट्रेनिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल और बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। सो थैंक यू सो मच।